नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं फिनटेक। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज आती है जियो 4G के फोन के बारे में। तो ये फोन है जो 1500 में है, जो फोन आता है उसमें आपको बहुत गंदी, मतलब बहुत ही गंदी फीचर आती है, सिर्फ 4G फोन मिलता है। उस जियो के फोन में आप ना कुछ क्या ऐप भी नहीं डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसा है डब्बा फोन है यार। उससे अच्छा आप 4000 का, थोड़ा बजट बढ़ा के 4000 का रेडमी नोट 4A ले लो, वो अच्छा है। तो जियो का 4G फोन मत लो, वैसे भी बहुत बकवास लगता है। क्या जियो का फोन, चाइना मेड सब बना हुआ है। सो अभी दूसरी न्यूज आती है HTC U11, जिसको मैं आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 835 का 6GB रैम और एंड्रॉयड 7.11 का नाउगेट, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप इसको बहुत अच्छा प्रिफर कर सकते हो। लेकिन क्या HTC इतना फेमस कंपनी नहीं है, सो आप उसको प्रिफर नहीं कर सकते बाय करने के लिए। मई तक रिलीज हो जाएगा, 16 मई तक। सो आप उसको 16 मई तक को बाय कर सकते हैं। तो तीसरी न्यूज़ आती है नोकिया 8 के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 23 मेगापिक्सल का कैमरा, जो बहुत बहुत ही अच्छा है। और उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन, वो भी 835 का, और वो रिलीज़ होने वाला है जून में। सो उसकी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, मैं आपको उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अभी चौथी न्यूज़ आती है इंटरनेट यूज़र्स के लिए। अभी इंटरनेट ने ना 420 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो अभी 420 मिलियन लोग हैं, वो अभी बहुत बहुत ही ये होने वाला है, मतलब इंटरनेट ब्रॉडली बहुत यूज़ होने वाला है। सो अभी जून में अभी इंटरनेट 420 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो अभी इंटरनेट ने बहुत सारा कर दिया, बहुत सारे यूज़र्स को कंप्लीट कर दिया है। सो अभी पांचवी न्यूज़ आती है कैमरा के लिए, जो वन प्लस फाइव, मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि वन प्लस फाइव कैसा धमाका करने वाला है। सो अभी इसने धमाका तो पहले ही छोड़ दिया है। वन प्लस फाइव इसकी कैमरा की सैम्पल्स अभी लीक हो चुकी है, उसकी लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आप उसकी, मैंने तो देखी है उसकी कैमरा की, तो वो बहुत ही अच्छी है, मतलब फ़ोटोज़ उसकी पसंद आई मेरे को। सो अभी पांचवी न्यूज़ आती है एप्पल अपनी अपनी ये वेबसाइट खोलने वाली है इंडिया में। मतलब अभी वो सिर्फ यूके और ये अमेरिका में ही थी, वो अभी एप्पल इंडिया में अपने सैम्पल, मतलब फ़ोन्स नहीं भेजते थे उनकी वेबसाइट थ्रू। सो अभी एप्पल इंडिया में एक नई वेबसाइट खोलने वाला है, ऑनलाइन स्टोर जैसा ही। तो इस ईयर आपको एप्पल की ऑनलाइन स्टोर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए फिनटेक, और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में। सो धन्यवाद।